हेलो गाइस, राम राम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैंने बोला था ब्लॉगिंग कंटिन्यू करूंगी। आज सोमवार है इसलिए थोड़ा ग्रीनरी सी दिख रहा है। सावन सोमवार चल रहा है, यू नो दैट, सावन सोमवार। तो मेरा फास्ट है, मेरा व्रत है और हम छत पे आए थे तो हमने सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। मुझे याद आ गया एकदम दिमाग में, अरे ब्लॉग बनाते हैं। तो मैं फूल तोड़ने आई थी, मेरे छत पर बहुत सारे फूल लगे हैं। हम लोग को बाहर से फूल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इधर ही सब फूल मिल जाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मैं अपनी पूरी प्लेट भर लूँगी फूलों से। आप देखें इतने सारे, सब कुछ लगा हुआ है, मतलब पूरा छत ग्रीनरी है। मेरी तरह नहीं, मैं छत की तरह ग्रीनरी हूँ, छत पर ज़्यादा ग्रीनरी है। तो चलो मैं फूल तोड़ लूँ क्योंकि मुझे पूजा भी करना है। आज मेरा फास्ट भी है और मैं खिचड़ी भी बनाने वाली हूँ। तो जब मैं खिचड़ी बनाऊँगी ना, तो मैं क्या करूँगी, खिचड़ी बनाऊँगी जब मैं, तो मैं या थोड़ा बहुत वीडियो बना लूँगी। बहुत दिन से रेसिपी कुछ नहीं डाला है खिचड़ी, तो मैं बताऊँगी मैं साबुदानी खिचड़ी कैसे बनाती हूँ। तो चलो हम, मैं सब तोड़ लूँ, फूल तोड़ लूँ, ऊपर नीचे चलते हैं पूजा करने, उधर भी मैं ब्लॉग बनाऊँगी। ओके, ये देखो, मैंने बोला था ना मेरी छत पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं, ये मैंने फूल सारे तोड़ लिए अभी। ये देखो, ये और हमारे फूल, टना हमारे फूल ले लिए हैं मैंने। और अब चलते हैं नीचे, अब नीचे चलते हैं और फिर पूजा करेंगे। गेट लगा दूँ मैं टना इधर से। आज मैं सोच रही हूँ होम टूर करा दूँ, अगर कोई मेरी वीडियो बना देगा तो मैं होम टूर करा दूँगी। ये देखो, फर्स्ट मतलब छत पे तो लगे ही हैं ये, और सेकंड इधर भी बहुत सारे पेड़ पौधे फूल आपको देखने को मिलेंगे। ये मनी प्लांट इधर भी लगाए, नीचे भी लगाए, बीच में भी लगाए, हर जगह लगाए ये। हेलो गाइस, आ गई मैं नीचे, लाइट चालू कर लूँ थोड़ी सी नहीं पूरी सी। मैं गोरी हो गई। तो चलो ये देखो, ये सब मैं होम टूर में दिखा दूँगी, थोड़ा थोड़ा तो सब देख ही चुके हैं, पूरा पूरा होम टूर में दिखा देंगे। कोई बना दे वीडियो तब तो होम टूर की बोलेंगे आज इनसे कि प्लीज़ वीडियो बना दो। चलो मंदिर चलते हैं। ये देखो कृष्ण जी कितने सुंदर, इनकी हमें सबसे प्यारे पता है क्या चीज़ लगती है, ये कुंडल, मतलब हाथ में पहनने वाले, ये जो हाथ में पहनने वाले रहते ना, ये हमें सबसे प्यारे लगते हैं। और ये हार भी बहुत प्यारा लगता है, आप देख सकते हैं। ये हो गया श्रृंगार, अभी तिलक वगैरह करेंगे कान्हा जी का। रोज पूजा माँ करती है, लेकिन मैं बताना भूल गई हूँ अपने ब्लॉग में कि मेरी माँ इंदौर गई हुई है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसको बॉडी वगैरह लग रही है, तो इसीलिए माँ पापा इंदौर गए हैं। तो अभी हम अम्मा दादाजी और ये हम लोग अकेले हैं ना, मतलब हम लोग अच्छे लोग हैं घर में, अभी बाकी माँ पापा इंदौर गए हैं और हम तो इंदौर में रहते ही है, तो बस इतना ही है। बाकी हम रोज जल चढ़ाते, माँ पूजा करती हैं। सुगंधम पुष्टि वर्धनम गुरुवारु कामेव वंदनम रत्यो मोक्षमृता। हो गई भगवान जी की पूजा, अब मैं ऊपर जाऊंगी। और आज नाश्ता तो बनना नहीं है, हाँ, क्योंकि माँ पापा है नहीं और हमारा अम्मा का व्रत है। दादाजी ने खा लिया, दूध पी लिया दादाजी ने, और ये भी दूध पी लेंगे तो आज नाश्ता नहीं बनेगा। तो अभी जाएंगे ऊपर, फिर इनको चाय, ऊपर जाऊंगी, चाय लेके ऊपर जाऊंगी, इनको उठाऊंगी।
और अभी अभी जा रही फिलहाल तो ऊपर शोरूम में अगरबत्ती लगाएंगे, तुलसी की अगरबत्ती और शोरूम के अगर शोरूम में अगरबत्ती लगाएंगे, फिर चाय बनाएंगे। अभी से मैंने सब बता दिया जैसे मैं दिखाने नहीं वाली हूँ। चलो चलते हैं ऊपर चढ़ा। अब मैं अब मिलती हूँ सीधा ऊपर चढ़ा चढ़ा। आ गई मैं ऊपर और ऊपर आके मुझे पता चला कि ये नीचे ही आ गए हैं, क्योंकि आज मुझे करते करते थोड़ा लेट हो गया है, तो ये नीचे आ गए और अम्मा ने चाय और रेडी रख दी है, तो चाय बन रही है। अब अम्मा जाएंगी पूजा करने के लिए, उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो वो आज थोड़ी लेट हो गई, वरना साथ में पूजा करते हैं सब। तो अम्मा चाय चढ़ा गई, तो अब मैं चाय छान के उनको देती हूँ, यहीं बैठे हैं ये माँ पापा के कमरे में, नीचे ही आ गए। अब मैं चाय छान, मैं कितना चाय चाय करने लगी, हमें लगता है कि हम कितना चाय 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 करने लगे। सुबह भी चाय बनाते, दोपहर में भी चाय बनाते, अब हम घर जाएंगे, हमारी मम्मी देखना हमसे चाय बनवाएंगी ज़बरदस्ती। अब वो कहेंगे सत्या एक कप चाय बना दो। देखो हम नीचे लेके आए, देखो हमारा फ्रंट कैमरा चालू हो गया, हमारा फ्रंट कैमरा चालू हो गया। हाँ बढ़िया है, आपने नहीं सुधरवाया, बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ, हमारा फ्रंट कैमरा चालू हो गया। जी आपने जी विद्याएं कहाँ से सीखी है, क्यों हाथ पैर तोड़ने की? क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही है? शमशान में रहती थी वही सीखी। अच्छा कब रहते थे? भोपाल में हॉस्टल को शमशान बोल रहे हैं? पीछे ही था आपके तो। कितना बाय चाय पीते पीते शोरूम में कोई आ गया तो इनको जाना पड़ा, इनको जाना पड़ेगा। चाय का कप रख गए, चले गए। हेलो गाइस, मैं फिर से आ गई वापस आप लोगों के पास। अभी मैं थोड़ी गायब हो गई थी, मैंने पूरा काम कर लिया अपना, काम मतलब बोले तो खाना बना लिया अपना, पूरा खाना बना लिया मैंने, बना दिए आलू टमाटर की सब्जी। एक मिनट, ये देखो आलू टमाटर की सब्जी बनाई है, जीरे वाली बनी है सब्जी। ये शाम को हम लोग को भी हो जाए, अभी ये चल रही थोड़ी सी। सलाद काट ली, पापड़ चिप्स वगैरह तल लिए और ये मठे की तैयारी कर ली, और आटा भी मार के रख दिया है, ये रखा आटा मार के रख गया है। अब बस मैं खिचड़ी बना रही हूँ। अब इसमें हम डालेंगे ये मूँगफली और साथ में साबूदाने। मेरी खिचड़ी बन गई, खा भी ली और हफ्ती भी हो गई। मैं मतलब जितनी बताई थी उसके बाद मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया, तो मैं आगे तक यूज नहीं कर पाई। मतलब मुझे इधर पर मैन रोड है, ज़्यादा आवाज़ आती है बच्चा फोन से। वीडियो बना रहे थे सब हरी हरी साड़ी पहने। अम्मा की तबीयत खराब हो गई थी, अब ठीक है, क्या काम कर रही है लगी है दिन बार। अब ये सब ने खिचड़ी खाई, फरार कर लो सबको। बस फिर यही हो गए काम से, दादाजी ने भी खाना खा लिया और अब फिर ये अब सत्य चार बजे में हो फुर्सत। हाँ अब बस फिर चार बजे आके चाय बनाओ, फिर फ्री रहते हैं, फिर 7 बजे खाना बनाते हैं, 8:30 तक सब खाना खा लिया बस। चलो मैं ऊपर जाऊँगी बनाऊँगी। दोनों हरी सावन में हरी साड़ी चलते ही है, ठीक है। अम्मा जग भर में आई थी अपना पानी का। किचन साफ हो गई मेरी, आप देख रहे होंगे
कि अभी मैं काम कर रही थी तब कितनी घंटे मैंने पूरी साफ कर ली है, मैं ऊपर जाऊंगी। अब चलो ऊपर चलते हैं और आज तो मैं वीडियो बनाऊंगी। कितने दिन बाद मेरा फ्रंट कैमरा चालू हुआ है तो आज तो वीडियो बनाएंगे। अभी ये आए थे, इनने खाना खा लिया, चले गए। देखो देख रहे हो यार, देख रहे हो देखो, ब्लॉग बना रहे थे, लाइट चालू हो गई, अच्छे से बना रहा हूँ, अच्छे से आना चाहिए। तो अभी हो चुकी है रात और रात को हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हो हमेशा। ये भी हमारी तरफ तारक मेहता देख के खाना खाने लगे और हमसे ज्यादा तारक, मतलब हम तो खाना खाते थे तभी तारक मेहता देखते थे, लेकिन जे सुबह शाम रात बस हमारी अब तारक मेहता लगा रहा था। हमारी तारक मेहता पे से लड़ाई होती है कि बस करो अब नहीं देखो, फोन में भी वही, रील भी वही, मतलब पागल हो गए थे तारक मेहता ना। तो देखते हो झूठ बोलो। ये देखो इंडिपेंडेंस डे पे अम्मा कह रही वीडियो बना ले। ये देखो शोरूम का डेकोरेशन, हर फंक्शन पे कुछ ना कुछ डेकोरेशन हो जाता है। अम्मा और जी बैठे शोरूम में, कितने खराब है हमें, देखो हमें पसीना, मतलब हम काम कर रहे थे, ये आके एक्टिंग करने लगे और कहते हैं हम ब्लॉग बनाओ ब्लॉग बनाओ, और ये अप्पा ये ब्लॉग के चक्कर में पक्का कुकिंग सीख जाएंगे। आप कुछ दिन बाद पता है पापा पापा की पदवी निभाने लगोगे, पापा को जैसे बहुत खाना बनाने का इंटरेस्ट है आपको भी होगा। पाव किया आपने, पाव बना दिया, अलग अलग कर दिया, पाव को पाव बना दिया। नहीं करो, अरे यार सुनो तो लग जाएगी सबको, कितना नाटक करते हो आप, सब सीरियसली मानने लगेंगे, सब हमसे कहेंगे कि हम आपसे काम कराते हैं। ये हमारी कॉपी करके सीख तक गए कि हम कैसे करते हैं। आप खा लो, मैंने आपकी थाली लगा दी है। ये देखो मैं पाव ऐसे सेट की, पहले बटर डालूंगी फिर उस पर थोड़ा सा ये पाव भाजी मसाला डालती हूँ, फिर ये थोड़ी सी भाजी डाली के ऐसे सेकती हूँ, और ये सीख चुकी हैं तड़ा। तो आप देख रहे हैं सत्या की किचन से इनके हस्बैंड को, हस्बैंड जी हाँ वो लेता है हवा ना के देता है। हटो जल्दी करने दो, अभी उसमें बटन नहीं लगा, इधर भूल गए। क्या कर रहे हैं आप सुबह से? बटन लगा रहे, समझ सकती हूँ मैं। ऐसे बटर लग रहा है, नहीं बस दो पाव सेक दिए ब्लॉक के चक्कर में, अब हम ऐसे किया करेंगे, हम ऊपर और ले जाया करेंगे कैमरा, रूम दिखाएंगे, रूम में साफ होने लगेगा। इतना अच्छा पाव सीखा आपने, सीरियसली अच्छा सीखा आपने। आता है दबाना पड़ता है उसको, उसको दबाओ ना वो सेक लगाता है। अभी जो के देखो कितना गर्म होगा, पलटा दो प्रभु। तो आप बताइए आपको कैसी लगी पाव भाजी? खुद मेहनत करके बना के खाएंगे और बनाइए, खुद बनाता है जब आदमी अच्छी लगती। इतना वो मत करो, हमारे दुकान छोड़ के शोरूम छोड़ के बना रहे, रहने दो, हमने बनाई है। वाह नवीन वाह, आप सही सही बता दो। बहुत अच्छी है। अच्छी यानी सच्ची है? ठीक है, हम डर रहे थे, हमें लगा बिगड़ गई, हमें लगा बिगड़ गई, हमें लगा ऐसा बिगड़ गई। बाजी बहुत प्यारी, ओ बाजी बहुत प्यारी बनी कह रहे,
क्योंकि मैंने बनाई पाव भी आपने बहुत अच्छा सीखा वैसे। अब मैं इनको सीख के खिला दूँ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर से। अम्मा बचपन की बातें सुना रही हैं इनके इनके पापा की सुना रहे हैं। नई बस्ती की जो वहाँ वाला नई बस्ती वाला मकान है ना, वहाँ की सुना रही हैं अम्मा कि वहाँ पहले नदी गई थी, बैंक था, ये दिल लगी हमारी थाली लग गई है, धनिया पत्ती डाली ऊपर से डाली। ओहो वाह कितना अच्छा सीखा हमसे, भी अच्छा सीखा आपने तो। हाँ हाँ वही तो क्या करते अच्छे। हाँ बैठ रहा तो ये हमारी थाली टच भी नहीं करने दे रहा कर। हम तो ले बस दे रही हमारी थाली। अब दूसरा पैकेट खुल गया है, पैकेट नहीं दिखा पाए कैसा खुला, कितना खतरनाक। हेलो गाइस, तो सॉरी मैंने बोला था दो दिन में व्लॉग अपलोड होगा, लेकिन दो दिन में व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई मैं, बट मैंने शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह कंटिन्यू डाले हैं। और मेरे हाथ में मेहंदी लग चुकी है और मेरी आज 5-6 दिन बाद में अपना ब्लॉग एडिट कर रही हूँ, तो एंडिंग में जब ब्लॉग एडिट करती हूँ तभी कर रही हूँ आजकल। तो एक मिनट, ये मैंने बंद कर दिया है क्योंकि कॉपीराइट क्लेम गाना बजेगा, तो वैसे चलते मेरी वीडियो रही है लेकिन साउंड पे आ सकता है। तो मैंने शॉर्ट्स वगैरह डालती रही, इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह भी बहुत सारे डालती रही। और मैंने जो बोला था ना कि मैं क्वेश्चन आंसर जो मैंने इंस्टाग्राम पे मैंने एक आस्क मी क्वेश्चन डाला था, तो उसमें मैंने बोला था कि मैं जो भी इंस्टाग्राम पे लोग मुझसे पूछेंगे उसका रिप्लाई मैं यूट्यूब वीडियो में करूँगी। तो वो अभी मैं सोच रही थी अभी कर दूँ, बट वो वीडियो बहुत लंबा, मतलब ये वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, तो मैंने सोचा था 15-16 मिनट का ठीक है। तो अब मैं वो वीडियो अगली नेक्स्ट ब्लॉग में पक्का अपलोड कर दूँगी, तो वो वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में पक्का अपलोड कर दूँगी। और क्या बोल रही थी मैं, मतलब अब मैं जा रही हूँ, मेरे यहाँ तो मेहंदी लग चुकी है और मेरा बैग भी लग चुका है, ये देखो मेरा बैग, ये रखे मेरे बैग, तो मेरा बैग भी लग गया है। तो मैं जा रही हूँ सागर, तो मेरा अभी ये ब्लॉग डल जाएगा, फिर इसका नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्टिंग में वहीं से कर दूँगी, सागर पहुँच के मैं वो वीडियो पक्का बना दूँगी क्यों आने वाला आस्किंग क्वेश्चन वाला, और फिर वो वीडियो अपलोड कर दूँगी। और मैं फिर से एक बार ज़रूर डालूँगी अब, मतलब क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उसमें, लेकिन जो अभी मेरा ये वाला ब्लॉग देख लेगा तो उसके अगर मुझसे कुछ पूछना हो तो मैं मेरे नाम के साथ, और या आप कमेंट भी कर सकते हो, आप जो भी आप पूछना चाहते कुछ भी किसी चीज़ से रिलेटेड, ससुराल मायका पढ़ाई लिखाई कबड्डी कुछ जो भी पूछना चाहते हो जिससे चीज़ से रिलेटेड, तो वो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर जो इंस्टाग्राम चलाते हैं वो मैं इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाल के एक आस्क मी क्वेश्चन करके डाल दूँगी, तो उसमें आप अपना क्वेश्चन लिख देना, तो वो मैं नाम के साथ मैं उस वीडियो में बताऊँगी कि मैं घर पर दिखाऊँगी कि हाँ ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, फिर मैं उसका आंसर दूँगी कि इसका ऐसा ऐसा जो भी चीज़ है। तो वही मैं बता रही थी, और अभी इधर भी पैकिंग चल रही है, ये मेरे साथ नहीं जा रहा है, ये पचमढ़ी जा रहे हैं, हम अपना सागर जा रहे हैं, और हमारा आनंद भी पचमढ़ी गया है, पता नहीं क्या अचानक ट्रिप बने हैं सबके, तो मतलब ऐसा है कि इनकी भी तैयारी चल रही, तो आज 20 को मैं निकल जाऊंगी, 21 को ये पहुंच जाएंगे पचमढ़ी, मतलब निकल जाएंगे, ये भी निकल जाएंगे अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं। तो अब मैं इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ, मैंने यही बताने के लिए ब्लॉग किया था, और ये ब्लॉग वैसे तो 15 मिनट का है, बट 15-16 मिनट का है जितना भी, बट मुझे छोटा लग रहा था थोड़ा ऐसा। अब नेक्स्ट ब्लॉग तो मैं सागर आ रही हूँ, फिर वो ये वाला पक्का डालूँगी मैं क्वेश्चन वाला, तो आप ज़रूर अपना क्वेश्चन या कुछ भी जो भी कहना हो आप कमेंट कर देना इसी ब्लॉग के नीचे, कमेंट कर देना, बहुत सारे कमेंट करना, तो मैं उसका रिप्लाई स्क्रीनशॉट लेके साइड में डालूँगी नाम के साथ कि इसने ये क्वेश्चन पूछा ये बताया। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और अगली वीडियो का इंतजार। टाटा बाय बाय।